गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग चेक पॉइंट 3.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है सो, ये जो हमारा चैप्टर है ये डेसिमल से रिलेटेड है ना। तो इसको इसमें इस क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको समझिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन, मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म, और कौन सा टर्म में होना चाहिए, लोवेस्ट टर्म। तो देखिए 0.9 है, अभी ये डेसिमल में दिया हुआ है, ये आपका डेसिमल में है और इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 0.9 है तो इसको लिखेंगे, जीरो को तो लिखने का ज़रूरत नहीं, पहले नाइन लिखेंगे और पॉइंट के बाद देखेंगे कितना डिजिट है। तो देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए वन लिख के एक जीरो बैठाएंगे। अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट रहता तो दो जीरो, पॉइंट के बाद अगर तीन डिजिट रहता तो तीन जीरो, इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0.67 है तो जीरो को तो नहीं लिखेंगे, जीरो को छोड़ के लिखेंगे 67। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, दो डिजिट है इसलिए यहाँ पे 100 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 67 और 100 तो दोनों किसी का टेबल में आता नहीं इसलिए इतना ही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, 0.08 है तो जीरो को तो अभी हम लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम लोग एट को लिखेंगे और पॉइंट के बाद देखिए दो डिजिट है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है इसलिए यहाँ पे वन लिख के दो जीरो। देखिए पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है उतना जीरो बैठाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, फोर का टेबल में कट जाएगा, फोर टू जा एट, फोर का टेबल में अगर ये काटेंगे तो 25 में, तो ये 2/25 यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मान लीजिए अगर रहता क्वेश्चन फाइव नंबर क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 1.67 अगर मान लो रहता तो क्या लिखते, यहाँ तो 0.167 लिखते, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो वन लिखेंगे और दो जीरो बैठा देंगे, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल, इसको डेसिमल में चेंज करना। तो 47/10 आपको करना क्या है कि ऊपर में जो लिखा उसको लिख दो, 47 लिख दिए। अब देखिए एक जीरो है यहाँ पे, 10 में देखिए एक जीरो, तो पीछे तरफ से काउंट करके एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट बैठा देना, ठीक है। सेकेंड नंबर में देखिए इसमें क्या है, ऊपर में जो लिखा हुआ 59 इसको लिख देना है, उसके बाद यहाँ दो जीरो है तो पीछे से गिन के एक दो यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे और आगे अपने से एक जीरो बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन 148 है तो लिखेंगे 148 और यहाँ कितना जीरो, तीन जीरो, एक दो तीन जीरो, तो पीछे से गिनिए एक दो तीन और यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, आगे अपने से एक जीरो बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए 60/25 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 60/25 को इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए नीचे जीरो तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये 25 को या तो 10 बनाना होगा या तो 100 बनाना होगा या तो 1000 बनाना होगा। तो 25 को 100 बनाना बहुत आसान है, इसके लिए क्या करना होगा, 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब 60/25 है तो इसको भी 4 से इंटू करना होगा, इसको भी 4 से, तो 6 × 4 = 24, इसको नीचे लिख देते हैं कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा और यहाँ पे 25 × 6 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो यहाँ देखिए दो जीरो है तो ऊपर में जो लिखा हुआ उसको पहले लिख देना है, 240 लिख दिया। अब देखिए यहाँ दो जीरो तो पीछे से गिन के एक दो यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता तो ये सीधे 2.4 आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और भी इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।